एक बिल्ली और लोमड़ी में अच्छी मित्रता थी। वे अक्सर एक साथ समय बिताया करते थे, साथ खाते, साथ खेलते और ढेर सारी बातें करते थे। ऐसे उन दोनों के दिन बड़े मजे से गुजर रहे थे। लोमड़ी खुद को बहुत चतुर समझती थी और जब भी चतुराई की बात चलती, वो बिल्ली को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। बिल्ली को कभी कभी ये बात बुरी भी लगती थी, लेकिन मित्रता के कारण वह इन बातों को महत्व नहीं दिया करती थी। एक दिन दोनों दोपहर के खाने के बाद एक पेड़ की छांव में आराम कर रहे थे। दोनों में बात चल पड़ी कि अगर अचानक कोई शिकारी जानवर उन पर हमला कर दे तो वे अपने बचाव के लिए क्या करेंगे। बिल्ली बोली, मुझे तो ऐसी परिस्थिति से बचने का केवल एक ही तरीका आता है, मैं तो वही करूंगी। ये सुनकर लोमड़ी हंस पड़ी और कहने लगी, बस एक ही तरीका? अरे बिल्ली रानी, एक तरीके से तुम शिकारी जानवरों से कैसे बचोगी? मुझे देखो, मुझे तो उनसे बचने के हजारों तरीके आते हैं। तुम कहो तो तुम्हें भी एक दो तरीके बता दूं। बिल्ली बोली, नहीं, ज्यादा तरीके जानकर मैं क्या करूंगी? जो मुझे आता है वो अब तक सही सिद्ध हुआ है, मैं उससे ही अपना बचाव कर लूंगी। लोमड़ी बोली, हाँ, वैसे भी तुम्हें वे सब तरीके सीखने में कठिनाई होगी, क्योंकि तुम में अकल की कमी जो है। इतना कहकर लोमड़ी हंसने लगी। बिल्ली को लोमड़ी की बात बहुत बुरी लगी। बिल्ली बोली, जो भी हो, उसी तरीके से मैं अब तक बचती आ रही हूँ। भगवान ने चाहा तो आगे भी बचूंगी। तभी उन्होंने देखा कि दो शिकारी कुत्ते उनकी ओर दौड़ते हुए आ रहे हैं। दोनों डर गए और सोचने लगे कि अगर उन्होंने फौरन अपना बचाव नहीं किया तो शिकारी कुत्ते उन्हें चीर फाड़ कर खा जाएंगे। बिल्ली को तो ऐसी परिस्थिति में बचाव का एक ही तरीका आता था और उसने वही तरीका अपनाया। फौरन एक पेड़ के ऊपर चढ़ गई और हजारों तरीके जानने वाली लोमड़ी सोचती रही कि क्या करूं। शिकारी कुत्ता लोमड़ी के निकट पहुंच रहा था और तब तक लोमड़ी तय नहीं कर पाई कि वह अपनी जान बचाने के लिए कौन सा तरीका अजमाए। इतने में शिकारी कुत्ते लोमड़ी के निकट पहुंच गए और लोमड़ी उनका शिकार बन गई। हजारों तरीके जानने के बाद भी चतुर लोमड़ी अपनी जान नहीं बचा पाई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मुसीबत के समय हजारों तरीके जानने के बावजूद भी वही एक तरीका कारगर सिद्ध होता है जिसका आपको अपने जीवन में अधिक अनुभव हो। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी वीडियो को लाइक करें और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। धन्यवाद।